उदयपुर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में राजस्थान के घने सब ट्रॉपिकल जंगलों के बीच जाखम और करमोई नदियों के संगम पर छिपा बैठा है धरियावत का ये खूबसूरत कस्बा, जो सावन के महीने में जन्नत सा हो जाता है। धरियावत शब्द के अर्थ को और उसके उद्गम को यदि हम देखें तो उसका अर्थ होता है दरिया से आबाद। दरिया से आबाद का तद्भव होते होते बन गया धरियावत। और ये नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि पांच नदियों के बीचों बीच बसा है धरियावत का यह कस्बा। मध्यकाल में प्रतापगढ़ एक स्वाधीन राज्य हुआ करता था जो उदयपुर राज्य का हिस्सा नहीं था और धरियावत उदयपुर राज्य की एक जागीर था। उस समय धरियावत जागीर के अंदर 257 गांव आते थे और आज धरियावत तहसील में 167 गांव आते हैं और ज्यादातर गांव आज भी वही पुराने वाले गांव हैं जो भूतपूर्व धरियावत जागीर में थे। प्रतापगढ़ का जिला राजस्थान का सबसे नया जिला है। इस जिले में पांच तहसील हैं, जिनमें से एक है धरियावत। दोस्तों, धरियावत के ठाकुरों का जो क्लैन है वो है सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के राणावतों का ये धरियावत एक रियासत हुआ करती थी और जो इस वंश का उद्भव है वो हुआ था महाराणा प्रताप के दूसरे बेटे सहसमल जी से। सहसमल जी की लगभग 25वीं पीढ़ी है जो आज यहाँ पर ठाकुर है। और धरियावत के इस फोर्ट का निर्माण सहसमल जी के पोते विजय सिंह जी ने सन 1667 में किया था। सहसमल जी के बेटे भूपत राम जी और भूपत राम जी के दो बेटे आसकरण जी कराड़िया नीमच गए और दूसरे बेटे विजय सिंह जी ने आके धरियावत को बसाया और विजानगढ़ बनाया 1720 के अंदर। 1730 के अंदर उन्होंने धरियावत गांव की बसावट करी। इतिहास के अंदर शेषमाल जी को तीसरा संतान बता रखी है। चूंकि बाल्यावस्था में महाराणा प्रताप के दूसरे बेटे की स्वर्गवास हो गया, इसकी वजह से उनको तीसरी संतान बता रखा है। और धरियावत की बसावट जंगलों के चारों तरफ घिरी हुई है और दरियावत के बख्तावर सिंह जी प्रथम, जिन्होंने 1844 के अंदर हरकिया खाल की लड़ाई के अंदर वो काम आए, ये मेवाड़ और मराठों की लड़ाई थी, उस मेवाड़ के अधीन हम थे, हमारा ठिकाना जो है वो 32 कहलाता है, 16 और 32 बड़े 32 के अंदर हम आते हैं, इससे हम मेवाड़ रियासत के अधीन हैं। और मेवाड़ रियासत की लड़ाई के अंदर, हड़किया काल की लड़ाई के अंदर बख्तावर सिंह जी काम आए और उनकी रणभेरी बजाने वाला दमामी जो था, जिसका सर कट चुका था, और सर कटने के बाद में वो धरियावत आके सूचना देके फिर उसका देहांत। लगभग 400 वर्ष पुराने इस फोर्ट धरियावत को 1992 में हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। भानु प्रताप जी की दूसरी बेटी दिव्या राणावत आज उनके साथ इस होटल की देखरेख करती हैं। When we converted into a heritage hotel, what we tried doing is we tried maintaining the illustrious reminiscence of his historic past by keeping the facade intact, whereas upgrading the rooms with modern amenities for the convenience of the guests. An upgradation is necessary every year. And especially when it comes to furnishing the rooms, the newest wing that we have at the fort is the swimming pool that was constructed almost a year back. हमें कई सारे खूबसूरत एंटीक्स दिखते हैं, जिनमें शामिल हैं पुराने हथियार जैसे ढाल और भाले, चौसिंगा और हिरणों की अन्य प्रजातियों के सींग, धातु के बने युद्ध कवच, पुराना हुक्का, कुकर, वाटर बॉयलर और ठंडा पानी रखने के बर्तन। साथ ही हमें दिखती है ये अनोखी वस्तु जिसमें पत्र, स्याही और कलम सहेज कर रखे जाते थे।
कोट धर्यावत की दीवारों पर हमें दिखती हैं धर्यावत रावतों और उनके परिवार के सदस्यों की कलाकृतियां और तस्वीरें जो इस अमूल्य धरोहर की यात्रा को दिखाती हैं। जहां आज बारादरी रेस्टोरेंट है वहां पहले कंवरपदा महल हुआ करता था। कंवरपदा महल धर्यावत के कुंवर साहब और उनकी पत्नी का निवास स्थान हुआ करता था। कंवरपदा महल के कमरों का नाम तत्कालीन धर्यावत परिवार के पूर्वजों के नाम पर रखा गया है, जैसे वीर विक्रम विलास, जसवंत निवास, नील महल, कमल निवास आदि। द्योड़ी की ओर बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं महल के जनाना विंग में, जो शाही महिलाओं का निवास स्थान हुआ करता था। धर्यावत के भूतपूर्व रावत जसवंत सिंह जी ने अपनी पत्नी गौड जी कंवर के लिए एक पूरे महल का निर्माण करवा दिया था, जिसका नाम है गौड़ विलास। यहाँ पर अभी धर्यावत परिवार का निजी निवास स्थान है। महल के ऊपर जाकर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे एक जगह है जैसे जो पहले दरी खाना हुआ करती थी, जहाँ पे महफिलें सजा करती थी। तो उस महल का एक हिस्सा है जो अब टूट चुका है, जो अब आप देख नहीं सकते, वो इस दीवार के पार है, जिसे नगीना महल कहा जाता था। जो महल की आर्मरीज थी, जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, वो अब होटल रूम में कन्वर्ट कर दी गई हैं। जैसे आप अंदर घुसते हैं वैसे जो लॉबी आती है, अंदर घुसने के बाद जो लॉबी आती है वो पहले कचहरी हुआ करती थी, जहाँ पे राजा और उनके दरबारी बैठ के फैसले दिया करते थे और जो भी राजकाज संबंधित बातें हैं उन पे मशवरा किया करते थे। धर्यावत मशहूर है यहाँ के सीता माता अभयारण्य के लिए, जहाँ पर दुर्लभ फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती है। रात को दूरबीन लेकर अनेक पर्यटक इस दुर्लभ जानवर की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। इसी सीता माता अभयारण्य में हमें देखने को मिलता है एक ऐसा सीता माता मंदिर, जो देश के उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहां राम के बिना सीता माता की पूजा की जाती है। अगर आप यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो आपको एक बहुत ही रोचक लोक कथा सुनने को मिलेगी, जो कि हमारे पुराने महाकाव्य रामायण से जुड़ी है। तो उसमें आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता, जो राम की पत्नी थी, अयोध्या से जब उनको अयोध्या वापस लाया गया लंका से, और जब श्री राम ने उनका परित्याग कर दिया था, उसके बाद सीता माता यहीं पर आई थी, धर्यावत के इन्हीं घने जंगलों में आई थी, और यहीं पर उनके दोनों बेटे लव कुश का जन्म। थोड़ा सा अपन डीप जाएंगे और अंदर तो कुछ एक बरगद का पेड़ है जो 12 बीघा में फैला हुआ है। तो लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ लव कुश जब बचपन में इस पेड़ के नीचे खेलते थे, और एक अंदर एक पेड़ है आम का, जहाँ लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, वो पेड़ भी आज भी वहाँ मौजूद है उस जंगल के अंदर। और एक कुंड ऐसा है जहाँ लव कुश नहाते थे, तो एक में पानी गर्म और एक में ठंडा पानी है। तो रोड के उस साइड राइट साइड के अंदर ठंडा पानी है, और वही पानी वापस चल के लेफ्ट साइड में आता है तो वहाँ गर्म हो जाता है। धर्यावत के आसपास कई सारी जनजातियों के गांव हैं, जिनमें मुख्य हैं भील और मीणा जनजातियाँ। These villages are very untouched by modern civilization, and the reason being so is because they prefer their primitive ways and they are so comfortable in their own lifestyle that they do not wish to modernize their living standards. यहाँ का एक महत्वपूर्ण आयोजन है बानेश्वर का ट्राइबल मेला, जो फोर्ट धर्यावत से 40 किलोमीटर दूर आयोजित होता है। ये भारत के सबसे विशाल और सबसे अनुपम ट्राइबल मेलों में से है। कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स कहलाने वाले इस मेले में आपको राजस्थानी जनजाति संस्कृति, दस्तकारी, नृत्य, संगीत और लोक कथाओं का एक शानदार समावेश देखने को मिलता है। We've curated a few experiences here, such as riverside jungle lunch. Then we have evening safaris that we organize for our guests to the sanctuary. Then we have a really beautiful reservoir here called Jakham Reservoir. Since Daryavad is surrounded by 5 rivers, so we've got a very famous reservoir called Jakham Reservoir, where we give our guests either champagne breakfast or sundowners at the reservoir.
We also organize cycling tours to the dam if the guests are interested in. This another unique experience that we give our guests is the culinary experience. We have a few recipes compiled in the book called From the House of Dharyavad. This particular book was written by my late grandfather, Rav Sahib Udhayapan Singh Ji. So we give a guess an idea of what actually is cooking in the kitchen of Dharyavad. यहाँ के मक्की की रोटी और मक्की के पानीये बड़े प्रसिद्ध हैं. मक्की के पानीये खाकरे के पत्ते में बनाते हैं, बड़ के पत्ते में बनाते हैं. दोनों मक्की की रोटी बना के पत्तों के अंदर डाल के और छाण कंडों पे इस पे सेका जाता है. ये प्रसिद्ध यहाँ का व्यंजन है. दरियावद के इतिहास के अंदर ये किस्सा कहीं लिखित नहीं है. और जब औरंगजेब गुजरात की तरफ से मंदिर तोड़ता ये आया दरियावद के पास में, उसने बहुत से मंदिर जैन मंदिर ध्वस्त किए. और जैसे ही वो महू महादेव स्थित आया और वहां महू महादेव के शिवलिंग पर उसने गण से प्रहार किया, उसकी सेना ने मंदिर तोड़ने के लिए, शिवलिंग तोड़ने के लिए, तो उस शिवलिंग के अंदर से जो मधुमक्खियां निकली और मधुमक्खियां निकली पूरी सेना को भगा दिया. आज भी उस शिवलिंग पर ऊपर छेद आज की तारीख में भी है. ये बहुत बड़ा इतिहास हमारे यहाँ का दरियावद. प्रतापगढ़ का जिला और खासकर दरियावद, यहाँ पर बनाए जाने वाले थेवा आभूषणों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है. दरियावद के अन्य आकर्षण है वाल्मीकि आश्रम और खुशमगरी. खुशमगरी के असीम घास के मैदानों में आकर हमें ऐसा महसूस होता है मानो हर बीतते पल के साथ शाम और ज्यादा दिलकश होती जा रही है. दरियावद के अभिमन्यु सिंह जी पर्यटकों को अभयारण्य और खुशमगरी की सैर करवाते हैं और उन्होंने ही अपनी जीप को तेजी से चलाते हुए हमें खुशमगरी के सबसे ऊंचे टीले पर ला खड़ा किया. हल्की बारिश की बूंदों में खुशमगरी के टीले से नीचे उतरते उतरते शायद आप दूसरों की आंखों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन क्या पता शायद खुद की गहराई को खोज लें. फोर्ट दरियावद के प्रभावशाली ढांचे को देखकर गर्व होता है मेवाड़ की धरोहर के वर्चस्व पर और एहसास होता है कि समय अलग है, दृश्य अलग है, लेकिन विरासत वही है.